बरही डीएसपी के द्वारा आश्वासन मिलने के बाद धरना टला। डीएसपी ने लिया एक सप्ताह का समय। हजारीबाग मृतक परिवार ने चलकुसा थाने के समीप अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल धरना शुरू कर दिया, जिसको लेकर चलकुसा अंचलाधिकारी के नाम से आवेदन देने अंचलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। इसी क्रम में बरही डीएसपी ने दूरभाष के माध्यम से मृतक की पत्नी मालती देवी से बात किया और डीएसपी ने आश्वासन दिया कि एक सप्ताह के अंदर दोषियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाएगी। मृतक की पत्नी ने कहा, अगर एक सप्ताह के अंदर प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती तो पुनः चलकुसा थाना के समीप अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे, जिसका जिम्मेदार शासन होगा। बताते चलें कि चलकुसा थाना क्षेत्र के दसरा परसाबाद बीच रेलवे ट्रैक के बगल में 16 दिसंबर 2021 को एक लाश मिली थी। इसकी शिनाख्त अर्जुन चंद्र यादव उम्र 42 वर्ष पिता वासुदेव यादव ग्राम दसारो थाना मरकच्चो जिला कोडरमा के रूप में हुई थी, जिसके बाद मृतक की पत्नी ने जेसीबी मशीन एवं जमीन विवाद को लेकर कामेश्वर यादव, श्याम सुंदर यादव, गोविंद यादव तीनों के पिता भीखन महतो, प्रदीप यादव पिता गोविंद यादव, सभी आरोपी ग्राम दसारो थाना मरकच्चो जिला कोडरमा पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन लोगों के द्वारा मेरे पति अर्जुन चंद्र यादव की हत्या कर रेलवे ट्रैक के बगल में फेंक दिया गया था। इसका चलकुसा थाने में प्राथमिकी दर्ज कर दोषियों की गिरफ्तारी और कार्रवाई करने की मांग की थी, जो अभी तक प्रशासन के द्वारा गिरफ्तारी और कार्रवाई नहीं की गई। मृतक की पत्नी ने कहा, प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं किया गया, इसकी वजह से मजबूरन हमें धरना प्रदर्शन पर विवश होना पड़ रहा है और इसी वजह से हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल लेकर धरना कर रहे हैं। विक्रम सिंह की रिपोर्ट। चार अभियुक्त है, जिसका नाम है श्याम सुंदर यादव, गोविंद यादव, कामेश्वर यादव और प्रदीप यादव। पिता सभी दसारों के ही रहने वाले हैं? सभी दसारों। और जिस तरह का अभी देखे हम लोग व्हाट्सएप फेसबुक का वायरल, ये क्या मामला है? तो जेसीपी को लेकर क्या क्या मतलब किस तरह से क्या आप लोग का दोनों में क्या लेन देन था? जैसे जेसीबी का पार्टनर में था, उसमें लेन देन यही था कि जिसे भी हम रखेंगे वो रखेंगे, इसी के मैटर से बैठक हुआ था। दोनों में से कोई एक रखेंगे, ये बात हुई है तो आपको दिया गया कुछ उसमें लेन देन का? लेकिन बीच गांव में पैसा नहीं देकर मारपीट किया, तो कोई लेन देन का बात था उसमें? या पैसा आपको पूरा मिल गया था? पैसा भैया को पता है, पैसा शायद मिला था, वो पेपर है, पेपर के हिसाब से उसमें। तो आप लोग यहाँ पे किस चीज के लिए, आगे का क्या रणनीति आप लोग का, और आप लोग यहाँ किस चीज के लिए आए ये बताइए? ऐसे इस चीज के लिए आए हैं, बड़ा बाबू जब मेरे संग घर जाते हैं संज्ञाम लेने के लिए, तो मैं कुछ संज्ञाम कुछ और देती हूँ और डायरी मेंटेन कुछ और करते हैं, और दबाव करते हैं कि तुम क्या लाश को देखी थी इस कंडीशन से, पूछते हैं पूरा दबाव दे के पूछते हैं, अकेले में बयान हमसे लेते हैं। और दूसरे पार्टी घर जब वो जाते हैं तो चाय पानी नाश्ता वगैरह 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा के उपलक्ष में वो करके आते हैं, पता नहीं वो क्या संज्ञान लेते हैं और क्या करते हैं। उसी के उपलक्ष में फिर हम सीओ सर के क्रम में हम मिलने गए थे, तो सीओ सर ने हमको मेरे घर में भी एक बार आए थे, डीएसपी सर एक बार आए, बरही डीएसपी सर एक बार और आए थे, उस टाइम संज्ञान लिए थे, बारी बारी से लिए थे, मुखिया से लिए थे, पंच वगैरह गांव से लिए थे, कुछ हमसे लिए थे, मेरे घर परिवार सबसे लिए थे और संज्ञान लेके गए थे। फिर हम वो हमको 15 दिन का मोहलत दिया, तो 15 दिन इंतजार करते करते जब हमको कोई बयान कोई चीज़ का हम लोग को नहीं मिला, तो उसके बाद हम बरही डीएसपी सर के पास मिलने के लिए गए थे, तो हमसे बोले कि बोल चलो तुमको 15 दिन का मोहलत देती हूँ, 15 दिन का तुम्हारा न्याय दिला जाएगा। जो संज्ञान दिया उसमें कौन सा थाना में आप प्राथमिकी दर्ज करवाए हैं? एक मिनट, जो व्यक्ति संज्ञान में दिए डीएसपी सर को, उन सभी गवाहों को भी धमकी दिया कि अगर तुम लोग संभलता है संभल जाओ, कौन गवाही देता है हम उसको उठा लेंगे। बोलिए आप भी बोल रुके। मेरा भाई का नाम अर्जुन चंद्र यादव है। बोलिए आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मेरा नाम अशोक प्रसाद यादव हुआ, मेरा भाई का नाम अर्जुन चंद्र यादव हुआ, जिसका हत्या कर दिया गया। डीएसपी सर के पास हम लोग बार बार गए और आश्वासन ही दिए, और डीएसपी सर के द्वारा हम लोग जो आवेदन भूख हड़ताल देने के लिए अंचला अधिकारी सर के पास आए थे, डीएसपी सर के साथ बात हुई मोबाइल के जरिए, और डीएसपी सर हम लोगों के साथ एक सप्ताह का समय का मांग किए। अगर यदि इसके बीच न्याय नहीं होती है तो फिर प्रशासन आज दिनांक से एक सप्ताह के बीच डीएसपी सर न्याय दिलाएंगे।
अगर दिन नहीं देते हैं इसका जिम्मेवार प्रशासन होगी। आज दिनांक 24/2/2022 के बीच एक सप्ताह का टाइम डीएसपी सर लिए, अगर इसके बीच कार्रवाई नहीं होती है तो इसका जिम्मेवार प्रशासन होंगे और हम लोग पुनः भूख हड़ताल के लिए बैठेंगे। कब से भूख हड़ताल? तीन एक सप्ताह बाद 3/3/2022। तो उस जेसीबी के क्रम में पंचगण लोग जो है सो डिसाइड कर दिए, और डिसाइड करने के बाद पंचगण लोग पैंचीती नहीं करने दे रहा था। वो उस टाइम पैंचीती के सामने ही धमकी दिया जा रहा था कि अगर तुम पैंचीती करोगे तो तुम्हें मैं उठा लूँगा, तुम कहाँ लोगे ज़मीन हमसे मैं देख लूँगा। और हमारे ज़मीन में वो घर बना लिया, और वो ज़मीन का जब हम लोग मांग किए तो 19 तारीख पंचगण लोग एक डेट निर्धारित किए थे 19/12/2021 को तुम लोग का जो है सो बैठक करेंगे, और वो 16/12/2021 को ही मर्डर कर दिया। मर्डर करता 4 अभियुक्त पे हम लोग एफ आई आर किए हैं, जो गोविंद जादव है, कामेश्वर जादव है और श्याम सुंदर जादव है। तीनों का पिता भिक्खन स्वर्गीय भिक्खन महतो है, और प्रदीप जादव है, प्रदीप जादव का पिता गोविंद जादव है। ये चारों अभियुक्त पर हम जो एफ आई आर किए, ये दरोगा चरकुस्सा थाना एड्रेस उसका, मैं उन लोग का चारों का एड्रेस सेम दसारो पंचायत का ही है। और आज तक जो है सर ये 16/12/2021 का कांड है और हत्या किया उसका आज तक हम लोग जो है सो दरोगा कोई किसी प्रकार का हम लोग को न्याय नहीं दे रहे हैं सर, और बल्कि उल्टा दरोगा जो है वीरेंद्र सिंह हैं, वो जो है सो हम लोग के घर पे जाते थे, बहुत दबाव देते थे और दबाव देकर हम लोग का डायरी मेंटेन करते थे। जब हम लोग बोलते थे कि सर हम लोग का जो है सो जमीनी विवाद से लेके जेसीबी विवाद तक आया है, तो डायरी गलत तरीके से मेंटेन करते हैं कि तुम्हारे बाप ने उसको पार्टनर बनाया, तुम पैसा ले लिया है, इस प्रकार से डायरी पे भी लिखते थे और बोलते थे तुम अकेले में बॉडी देखी थी, तुम उसको देखी है, अकेले में ले जाके हम लोग को किसी को रहने नहीं देते थे, इसको एक अकेले कैमरे में ले जाते थे और इससे पूछताछ करते थे, तुम मर्डर करते हुए देखी है, तुम उसके बारे में बोलती है। ऐसे दरोगा जो है हम लोग को दबाव देकर और जो है सो बयान लेते लिया करते थे। हम लोग देखते थे सर, हम लोग बताते थे कि सर हम लोग का ज़मीनी विवाद के हिसाब से आया और जेसीबी से हम लोग का इस तरह से जो है सो भरी गांव में भी वो मारपीट किया, इस बार कर हम बोलते थे तो बोलता था तुम मारते हुए देखा है, हम लोग देखें पूरा गांव गवाही है सर, बीच गांव में वो मारपीट किया, ज़मीन का मांग करते थे तो बोलता था चलो हम तुमको तिलैया में ज़मीन देंगे, खरीद के रखे हैं, चलो कितना ज़मीन लेगा हम देंगे तुमको तिलैया में, दिखाते हैं तुम ज़मीन कहाँ लेगा इस प्रकार से, और अगर तुम नहीं शांत होगा तो दिखा देते हैं तुमको और उठा लेंगे तुमको, तुम जो सोच रहा है वो होने नहीं देंगे। और वो बहुत ही एक समाज सेवी थे सर, गांव दसारो पंचायत के बहुत ही समाज सेवी, छोटा से बड़ा काम किसी प्रकार का कार्य करते थे तो उसके नेतृत्व में हुआ करता था, और वो बहुत समाज सेवी व्यक्ति थे सर। और उसको मारकर मर्डर किया 16/12/2021